जय श्री राम। नमस्ते, आप सभी को स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग है टोटल सत्रह दिन के छुट्टियों के बाद आज मैं फिर से अपना जोन पे आ गया हूँ। अभी मैं मिराकल गार्डन में हूँ। वैसे तो मैंने रास्ते पे ही लॉगिन कर लिया था क्योंकि लेट लॉगिन होने वाला था मैं। हाँ, 4:30 बजे का शिफ्ट है और मैंने लॉगिन कर भी लिया हूँ। ये रहा मेरा नया फ़ोन जो कि अभी 550 का चाइना का डब्बा, और लॉगिन कर लिया हूँ। ऑर्डर नहीं मिला हमें क्योंकि मेरा जो ये लॉगिन पॉइंट होता है, पिन होता है, पिन का सिस्टम कुछ इधर उधर हो गया है क्योंकि 16-17 दिन के बाद। और मेरा आज ब्याज के बाद बताऊँ तो ब्याज 5 में हूँ मैं, तो ब्याज 5 यानी बेकार वाला ब्याज है। तो जिस टाइम तलाबाद में ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम ब्याज 6 था, तो अभी ब्याज 5 पे हूँ 17 दिन के बाद। अभी अपने एरिया पे हूँ, काम कर रहा हूँ, देख रहे काम किस हिसाब से जाएगा, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है हमें क्योंकि सुना पड़ा हुआ है और कीड़े मकोड़े की आवाज़ें आ रहा है। और बिल्कुल पीछे मिराकल गार्डन है क्योंकि ये मेरा पुराना अड्डा बन गया है। एक्सीडेंट होने से अब यहाँ पे आया हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज पहला दिन है, तो देखते हैं शाम तक क्या होगा रिजल्ट। लेकिन अब से मेरा रोज़ाना का डेली शिफ्ट यही रहा, 4:30 से लेके 4:30 बजे तक। यानी अगर सीधी साधे बात बताऊँ तो 6 बजे तक मैं अपने रूम पे पहुँचूँगा। उसके बाद नहा धोवा के 6:30-7, और उसके बाद 8-9 2 घंटा हमें यूट्यूब और फेसबुक में काम करना है। 2 घंटे में चाहे जितना भी वीडियो अपलोड हो, चाहे जितना भी वीडियो बने, मुझे 2 घंटे के अंदर ही अपना सारा काम ये रूल्स बना के फिर से मुझे सोना है, उसके बाद रोजाना है। यानी मेरा एक्सीडेंट का जो कारण था वो था नींद पूरा नहीं होने के कारण। तो अभी बहुत नुकसान हुआ, तीसरी बार हो गया मेरा साथ ये एक्सीडेंट। लेकिन अभी की बार अब होने नहीं दूंगा एक्सीडेंट, और बिल्कुल बाइक भी उसी हिसाब से लिया हूँ। और थोड़ा सा मुझे अभी भी ये क्लच दबाने में तकलीफ़ हो रहा है, तो पेन किलर दवाई खा के मैं काम कर रहा हूँ। छुट्टियाँ ले नहीं सकता, कंपनी वैसे तो बोल रहा है कि छुट्टी लेके चले जाओ, अपने घर चले जाओ, अगर घर नहीं जाना है तो ऐसे छुट्टी ले लो या तो एक एक शिफ्ट उठा लो, ऐसा बोल रहा था अपने सुपरवाइज़र, पुराने सुपरवाइज़र उमर सद्दाफ सर जी। तो अच्छे अच्छे थे सुपरवाइज़र लोग, लेकिन अभी का सुपरवाइज़र भी ठीक ठाक ही है। दुख इस बात के कि COD मैंने 1013 चलाया था, 1013, तो उसमें से फिर से पेनल्टी लिया है 370 दिरहम। तो ये पेनल्टी वाला सिस्टम पता नहीं कब तक ये करेगा। ऐसा ये दसमार जी बार बार पेनल्टी ले लेके हम जैसे गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। इस महीने थोड़ा कम पेनल्टी लिया है, बाकी महीने में कभी तो 500, कभी 550, कभी 600 तक भी लिया करता था। लेकिन इस महीने शायद सुपरवाइज़र को मेरे ऊपर दया महसूस हुआ होगा, इसलिए 370 पे। लेकिन लेना तो नहीं था, एक दिन हिसाब करेंगे, देगा नहीं, वापस देगा नहीं, लेकिन एक दिन हिसाब करूँगा मैं कि क्यों इतना पेनल्टी ले रहे हो। अभी फ़िलहाल मुझे ट्रीटमेंट का ज़रूरत है अभी, और मेरे ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है, और मेरे ऊपर जो पता नहीं किस चीज़ का केस है, इस केस को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। एम्बुलेंस में बैठ के गया हॉस्पिटल, और उसके बाद मेरा एमरस आई डी था हॉस्पिटल में, तो फिर केस किस बात का है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और लायर वायर लगाया गया है इसमें ताकि इंश्योरेंस क्लेम करे ये लोग, कंपनी लोग इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में मेरे ऊपर लॉयर भी लगाया गया है, और पता नहीं ये कब तक होगा। और वैसे भी मैं ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं, दिसंबर तक यहाँ से निकल जाना है, तो दिसंबर से पहले हमें ये केस को रिमूव करवाना है, वरना फिर मुश्किल होगा एयरपोर्ट में हमें। तो देखते हैं, आज से ड्यूटी स्टार्ट किया हूँ, अभी अच्छे से काम करूँ, 1-2 महीने 3 महीने तक अच्छे से काम करूँ ताकि अपना जो लॉस है वो लॉस को फिर रिकवर कर लूँ, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे अपना प्रोसेस। तो चलिए शाम तक देखते हैं कितना होगा, तो फिर लगे रहिए आप भी और मैं भी लगे रहूँगा, रोज़ाना छोटा छोटा सा डेली ब्लॉग, मिनी ब्लॉग लेके आऊँगा यूट्यूब में और फेसबुक में, पता नहीं कितना आएगा छोटा छोटा सा शॉर्ट वीडियो। तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों का चैनल का नाम एक ही है, ब्लैक DGMD, तो आप सपोर्ट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।